दोस्तों, इस वीडियो में एक अलग प्लग लेके आया हूँ मैं, और ये भी एक मोड का हिस्सा है। तो ये VGLAT समथिंग लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसका जो ट्रेलर है, मतलब जो साइड बोर्ड है, वो थोड़ा लंबा है और दिखता तो अच्छा है, बस कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, ये वाला इंटीरियर और सोने के लिए एक बेड भी है। तो पहले चलते हैं बाहर, क्योंकि गैरेज के अंदर अच्छा नहीं। तो गैरेज से निकलते हैं, उसके बाद या काम है अभी कर ही है, बस काम थोड़ा छोटा वाला ढूंढेंगे ताकि हमारा काम जो है इस एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये एक है फिक्सिंग द एलिवेटर। तो इसमें हमें दो काम करने हैं, एक तो क्लीनिंग इक्विपमेंट है और दूसरा है सर्विस स्पेयर पार्ट्स, चार थों। तो पहले चलते हैं वहाँ पे, उस अनबाउंडिंग एरिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो रोड मैप में देखता हूँ, हम हैं अभी गैरेज में। तो ये रहा हमारा गैरेज। गैरेज से अब जो रोड है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट लेंगे तो जो कीचड़ वगैरह ऐसा रोड मिलेगा, हम मेन रोड से जाएंगे। तो मैं मेन रोड का मैपिंग कर लेता हूँ पहले। रुको, ये देखो, ये छोटा सा रोड मेन रोड पे मिलता है। अब किसी मेन रोड से हम जाएंगे और ये सीधा वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये लोकल रैली के पास, और वहाँ से हमें एक टर्न लेना पड़ेगा और फिर हम पहुँच जाएंगे अनबाउंडिंग एरिया में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ट्रक के साथ। अब इसका नाम तो मुझे भी अभी तक याद नहीं, थोड़ा बाद में देख लेंगे नाम से क्या है काम से। और किसी ट्रक में ऐसा नहीं देता, मतलब दोनों जो आगे और पीछे का जो व्हील है, वो दोनों के बीच एक दिया हुआ है कुछ, एक तो कवर किया हुआ है, वो वाला चीज़ अच्छा लगा। और बाकी में वैसा नेकेट ही रहता है, कुछ भी कवर नहीं रहता। तो अरे, हमें तो पीछे चलना चाहिए, मैं बातों बातों में आगे आ गया। ओके, ब्रेक भी सही है, ठीक ठाक है, बस इसका जो टायर है वो थोड़ा सा मुझे, मतलब डाउट लग रहा है कि कीचड़ में चलेगा या नहीं, पर कोई बात नहीं। और इसका KWD तो वैसे ऑलरेडी ऑन है। अब एक और अच्छी चीज़ ये अच्छी लगी, तो इसका गियर सिस्टम, अभी तो मैं हाई गियर जब वर्कआउट करूँगा, तो मैंने 8 गियर का सिलेक्शन किया था, 7 गियर 8 गियर थे, तो मैंने 8 गियर का सिलेक्ट किया था। अब 8 गियर में किस तरह का स्पीड देगा, ये तो बात में पता चलता है। हाई गियर में बहुत अच्छा मतलब दे रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मेरा इंजन डैमेज हो गया अभी। बिल्कुल ट्रक में बैठने की तरफ फील तो आ रहा होगा। ओके, सो अभी हमारे पास मेन रोड है, मेन रोड से अब आराम से हम 8 गियर तक जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जो भी फिफ्थ है और 6। अरे अरे अरे, ओ भाई, क्या इस तरह का एक्सीडेंट तो मैंने पहले कभी किया नहीं, बस हो गया। अब गाड़ी चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, ये बिल्कुल कम्प्लीटली अपरोडिंग के लिए बना हुआ है, अब तो पता चल गया। ओके, अभी ध्यान से चलना पड़ेगा। अब मुझे इसके लिए रिपेयर पार्ट्स भी चाहिए,
तो छोड़ो उसकी कोई चिंता नहीं, पहले चलते हैं हम कहीं पे, कोई एक तो ट्रक मिल जाएगा जिस पे जिसके पास रिपेयर पार्ट्स होंगे तो वहीं से कर लेंगे। अगर अभी के लिए हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है क्योंकि टाइम से हमें ये दूसरा एक्सीडेंट एक ही ट्रक में, अब पता नहीं आज तो क्या हुआ है, शायद नींबू मिर्ची लगा देना चाहिए था गाड़ी में। छोड़ो कोई बात नहीं, और गाड़ी का सस्पेंशन शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लगता तो ऐसा ही है। अब देखो मैं जब चला रहा हूँ तो कैमरे में देखो थोड़ा सा तो मतलब एबनॉर्मल, देखो अभी एक झटका पड़ा ये सस्पेंशन की वजह से, और शायद देखते हैं कहीं पंचर वंचर तो नहीं हुए, होंगे तो भी कैसे पता चलेगा। कैसा एक तो फील आ रहा है, मतलब वाइब्रेशन जो है, जो हैप्टिक फीडबैक है वो स्टीयरिंग में फोर्स फीडबैक आ रहा है, पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, अभी तो रिपेयर करना पड़ेगा कहीं पे। एक तो चलो देखते हैं कहीं पे मिल जाएगा तो। मुझे भी डर लग रहा है कि मैं एक गियर में चलाऊँ, अभी गियर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, गियर तो ही सही है। सामने की तरफ, ओ फिर से सामने की तरफ बिल्कुल ख़त्म, मतलब साइड साइड से आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा। ये रिपेयर पार्ट्स देखते हैं क्या क्या रिपेयर होता है। सस्पेंशन एक तो ये सस्पेंशन का कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारा जो बाकी सब रिपेयर पार्ट्स हैं वो सब कुछ रिपेयर हो चुके हैं, तो सस्पेंशन हम चला देंगे। अरे 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 अरे, गाड़ी थोड़ा स्लिप हो रहा है, फिर से ऐसा फील हुआ अभी, फिर से एक तरह से मतलब एक झटके की तरह लग रहा है अभी गया। इस ट्रक को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, ये अभी लेफ्ट लेना चाहिए हमें। अब शायद तो सही जा रहे हैं, अभी भी 200-300 माइल है, माइल है ये किलोमीटर जो भी है वो चेक पॉइंट के हिसाब से, और ये वही है दोस्तों कि हमारा रिक्शा जो है वो एक जंप हाई जंप किया था, अभी शायद वो भी जंप किया। अब इतना हाइट में नहीं देना चाहिए जो रेलवे ट्रैक को, मेरा फ्यूल का टंकी गया, अब सस्पेंशन भी गया और जो भी ये भी गया, धन्य ये गाड़ी है जो अभी तक चल रहा है, अभी फिर से टायर गाड़ी में थोड़ा गाड़ी जो है मुझे गाड़ी दे रहा होगा, लेकिन मैं तो चला रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा तो हमें यहाँ से टर्न लेना है, बट मैं चाहता हूँ वहाँ पे एक तो जो फोर्ड का 750 है, कहाँ पे मालूम है, यहाँ पे तो एक तो रिपेयर शॉप भी था ना, तो दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। एक फोर्ड का 750 है हमारे फैक्ट्री में, तो उसके पास बहुत सारे रिपेयर पार्ट्स हैं, तो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे मे भी गाड़ी का थोड़ा रिपेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि तो बाद में लोड करने के बाद यहाँ पे एक तो भी गाड़ी है उसको, तो इससे देखते हैं क्या क्या मिलता है रिपेयर पार्ट्स। वैसे इस गाड़ी को तो मैं नहीं लाया, पहले ही से खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, डिस्कवर हो गया एक नया गाड़ी, इसका नाम वी रोलेट,
क्या एक तो है, छोड़ो कोई बात नहीं, अब उम्मीदें हारना नहीं चाहिए दोस्तों, होप नेवर डाइज। सो वो सामने हमारा क्रेन है 4750 का, तो उसी के पास में भी हो सकता है रिपेयर पार्ट्स, तो वहाँ से रिपेयर करते हैं अगर होता है तो, नहीं होता है तो एक सर्विस ट्रेलर को ले आएंगे, क्या करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गाड़ी अगर बीच में कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है मिशन के बीच में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अरे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा, ये रिपेयर करके देगा, रिपेयर नहीं लेगा तो मुझे ट्रक चेंज करना पड़ेगा, मेरे को हो गया, अब रिपेयर करते हैं, फोर्ड नहीं वो दूसरा वाला। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या रिपेयर होता है, सस्पेंशन ओके, इंजन नहीं हो पाया, गैस टैंक, वो गैस टैंक हो गया, इंजन हो गया, और फिर से क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है पता नहीं, छोड़ो जितना भी है सब कुछ ठीक है, अब मैं बेकार में क्यों वहाँ से घूम के जाऊँ, ये रेलवे ट्रैक के यहाँ से निकल जाते हैं सामने की तरफ तो सही होगा, तो मिलते हैं वहीं पे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाउंडिंग एरिया, अनबाउंडिंग एरिया में, और ये बीच में एक पेड़ जो है दिमाग ख़राब कर रहा है, वो इंच का यूज करता हूँ मेरे को, ओके हो गया, तो ये रहा हमारा ट्रेलर, इस ट्रेलर को लेके जाना है, और ये चार बॉक्सेस, मुझे लग रहा था मे बी वेयरहाउस से लेना पड़ेगा, लेकिन बॉक्सेस तो यहाँ है, और इसके लिए हमें चाहिए मैनुअल लोडिंग क्रेन, और क्रेन तो भैया हमारे पास ही था, और चार कंटेनर तो नहीं, चार सर रिपेयर पार्ट्स तो नहीं आ पाएंगे, मुझे एक और ट्रक चाहिए, तो एक और ट्रक है ना हमारे पास, अरे हाँ हमारे पास एक और ट्रक है, रुको मैं दिखाता हूँ क्या है, पहले इस गाड़ी को हमारे 750 को सामने लेके रख देते हैं वो रेलवे ट्रैक के यहाँ, उसके बाद यहीं पे है वो ट्रक, और ये क्रेन जो है अभी तक 3 मिशन में यूज हो चुका है, तो बिना गैरेज तक जाए बिना रिकवर हुए, ये बात अच्छी लगी इसकी, ओके मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और जो कैमेज नाम है इसका ये यहीं पे है 4326 कैमेज, अब इसको लेके चलेंगे हमारे मिशन मोड में,
और हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पिछले वाले ट्रक को अटैच कर दें उस ट्रेलर से और इसको विंच में अगर खींचें, तो मे भी एक ही साथ में ट्रेलर को भी और सर्विस पार्ट्स को भी लेके जा सकते हैं। कोशिश करेंगे पहले वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये सक्सेस होता है तो एक्स्ट्रा ट्रक हमें यहाँ पे लाना नहीं पड़ेगा, टाइम बहुत हमारा सेव कर। ये पहुँच चुका है, अब मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। सही है, अब चलते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं, राइट साइड से चलते हैं। और ये सामने जो एक लंबा सा जो एलिफेंट के ट्रंक की तरह दिख रहा है, एक्चुअल में जो विंड मिल है वही का एक पार्ट है। तो इसका भी मिशन है एक, जो कि हमें बाद में करना पड़ेगा, और कोई है भी नहीं करने के लिए। तो इसके लिए बड़ा ट्रक चाहिए, बड़ा ट्रेलर तो बड़ा ट्रक। ओ दोस्तों, यहाँ पे कोई लूप लाइन नहीं है, कोई भी ऐसा उस तरफ जाने के लिए नहीं है। मैं तो बेकार में इस तरफ आ गया, तो उस तरफ जाना पड़ेगा हमें। सोच रहा था कहीं एक तो बीच में जगह होगा तो घुस जाएंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। अब जा रहे हैं तो साथ में इसे भी ले जाएंगे, कैमेज। अरे AWD ऑन नहीं है हमारा, हुआ क्या है गाड़ी को? इस गाड़ी का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैं जब लो पे लेता हूँ तो गाड़ी पीछे चलता है, जब पीछे लेता हूँ तो आगे चलता है। अब देखो, अभी लो पे ले रहा हूँ, अभी रिवर्स चल रहा है, तो गाड़ी में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। बट ये वेस्ट नहीं है, यूजफुल गाड़ी है, हर एक काम में हमारा बस यही मदद कर रहा है। तो झटका सा दे रहा है, बट कोई बात नहीं। अरे यार, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कि पता नहीं। अब सही है। अरे इतना बड़ा डैमेज मैंने आज तक नहीं देखा, 149 का एक डैमेज हुआ है, पता नहीं। लेकिन हमें गाड़ी से और कोई मतलब नहीं है, हमें ट्रेन से मतलब है। तो अब तो ये सही पोजीशन में है, अब दूसरा वाला ट्रक को इसी पोजीशन में रखते हैं, और बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए, क्योंकि अरे रियलिस्टिक तो है ही। ओके तो गाड़ी में पहले अब लोडिंग करते हैं, लोडिंग करने के बाद गाड़ी को लेके चलेंगे। कहाँ पे लेके चलेंगे वो तो बाद में, लोडिंग करने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आज हम बस इसे पोजीशन में रख देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोडिंग करेंगे क्रेन से और लेके चलेंगे इसे प्रोसेसिंग विंग पे, ठीक है? तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू दोस्तों।